हेलो फ्रेंड्स, दिव्या हेल्दी किचन में आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। तो चलिए देखते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें हरी मिर्च लेनी है और हरी मिर्च इस तरह के मोटी स्किन वाली होनी चाहिए और इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है और आधा घंटा इसे फैन के नीचे सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसे हमें इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। आप देख सकते हो इसके अंदर से स्किन कितनी मोटी है। ये खाने में कम तीखी होती है और इसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए अब इसका हम मसाला देख लेते हैं। अचार के लिए मसाला हमें इस तरह से लेना है। 50 ग्राम सूखा धनिया लेना है, 50 ग्राम राई लेनी है, छोटी वाली राई ली है, मस्टर्ड सीड्स, और 25 ग्राम हमें बड़ी सौंफ लेना है, 25 ग्राम हमें कलौंजी लेना है और 20 ग्राम जैसा हमें मेथी दाना लेना है। मेथी हम कम ही लेंगे। तो चलिए अब इन मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है। अब हमें कढ़ाई को धीमी आंच पर गरम कर लेना है और जो अचार का मसाला है इसे हमें कढ़ाई में डाल देना है। अब इस मसाले को हमें चलाते हुए धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। यह मिर्ची का अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे दाल चावल के साथ, रोटी के साथ एनी टाइम इसे खा सकते हो। अब 2-3 मिनट चलाते हुए मसाला हमने अच्छे से भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब इस मसाले को हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और मिक्सी में इसे दरदरा पीस लेना है। अब अचार का मसाला हमारा पीस कर रेडी है। आप देख सकते हो इस तरह से इसे दरदरा पीस लेना है। तो चलिए अब हम अचार बना लेते हैं। अब हमें एक बड़ा कटोरा लेना है। अब हमने जो पीसा हुआ मसाला है अचार का इसमें डाल देना है। अब इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है इसे इसमें डाल देना है। एक चम्मच हींग को भी डाल देना है। अचार बनाते हैं तो हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब स्वाद के अनुसार नमक को भी मिला लेना है। मैं इसमें करीबन 3 चम्मच जैसा नमक को डाल रही हूँ। अब इसमें हमें 3 बड़े चम्मच जैसा गरम किया हुआ तेल को मैंने ठंडा कर लिया है। तेल को हमें धुआं आने तक गरम करना है और इसे हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। 3 बड़े चम्मच जैसा तेल को हमें मसाले में डाल देना है। अब तेल और मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें लाल मिर्च, कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि इसे लाल कलर आए, रेड कलर का अचार बनेगा। अगर रेड अचार चाहते हो तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। यह मैं येल्लो कलर वाला अचार बना रही हूँ, जैसे मार्केट में मिलता है हरी मिर्च का, उस तरह का अचार घर पर बहुत ही इजीली बन जाता है। आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप देखकर इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपका हरी मिर्च का अचार कैसा बना है। अब अचार का मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हमारी जो कटी हुई हरी मिर्च है इसे मसाले के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारी हरी मिर्च मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है।
अब सबसे आखिर में इसमें हमें एक बड़ा चम्मच जैसा सिरका डाल देना है। सिरका डालने के बाद इसे और एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारी हरी मिर्च का अचार बिल्कुल रेडी है। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अब इस अचार को हमें कांच की जार में भरकर रखना है एक दो दिन के लिए। दो दिन बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हमें कांच का जार लेना है। कांच के जार को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और आधा घंटा इसे धूप में अच्छे से सुखा लेना है। तो चलिए अब हरी मिर्च का अचार हम इसमें भर देते हैं। आप देख सकते हो दिखने में ये बहुत ही चटपटा लग रहा है, उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। Thank you.